हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन व्हिच इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ टर्म फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट, सो अकॉर्डिंग टू मैटचेल, प्लानिंग इज यूजली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शंस। ठीक है, सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम स्ट्रेटजी को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो इसे हम अभी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमरजेंसी। देखिए, प्लानिंग करने से क्या हुआ? प्लानिंग करने से जो हमारा प्रेशर होता है गेम के दौरान, वो अननेसेसरी प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, गुड कंट्रोल आ जाएगा हमारा सभी एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, अगर हमारे पहले से प्लान होगा कि हमें इस टाइम पे ये इस स्पोर्ट्स में करना है, कि इस टाइम पे ये करना है, तो इससे हमारा एक गुड कंट्रोल हर एक एक्टिविटी पे बना रहेगा। ठीक है, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उससे बना रहेगा। ठीक है, किसके है? प्लानिंग से। अगर हम पहले प्लानिंग करते हैं तो हमारे जो चांसेस ऑफ रिस्क हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चांसेस ऑफ रिस्क आपके रिड्यूस हो जाएंगे, और एफिशिएंसी है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और बढ़िया आपका स्पोर्ट्स प्ले होगा। ठीक है, अगर आप पहले से प्लानिंग करके जाएंगे टू एनहांस क्रिएटिविटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जिससे कि क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगी, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो एक और डिफाइन है प्लानिंग की, जो कि हमारे एलन साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था, अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लान क्या है? एक ट्रैप है जिससे हम फ्यूचर को कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, ये ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स में कमेटी का होना। ठीक है, विदाउट कमेटी, कमेटी मीन्स जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अलग अलग कमेटी बना देते हैं। ठीक है, अब पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं क्या है कमेटीज़ की। ठीक है, सो थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कमेटी के पास। पहला आता प्रे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी टूर्नामेंट से पहले वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उन्हें हम प्रे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहेंगे। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट में आती है। ठीक है, जो टूर्नामेंट चल रहा होगा, जब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी वो आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं। ठीक है, सो प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो कमेटीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसे हम देखेंगे। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट है, जो प्रे टूर्नामेंट कमेटीज़ होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो प्रॉपर बजट देखने की होती हैं। ठीक है, वो प्रिपेयर शेड्यूल करती हैं, जैसे डेट एंड वेन्यूज़ का। ठीक है, कब कौन सी डेट पे कौन सा स्पोर्ट्स होगा। ठीक है, पूरा शेड्यूल उन्हीं का तैयार, उन्हीं वही तैयार करती हैं। ठीक है, प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रैक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड को प्रिपेयर करेंगी। ठीक है, ट्रैक्स को, इक्विपमेंट्स देखेंगी, जैसे मान लीजिए कहीं फुटबॉल होने वाली है तो उसके लिए फुटबॉल है कि नहीं। ठीक है, आपका उसमें वेरियस इक्विपमेंट्स होते हैं वो है कि नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, वो सब कमेटीज़ प्रे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, और क्या करेंगी? सेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स अबाउट डेट एंड वेन्यूज़। वेरियस टीम्स को इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगी कि किस डेट पे कौन सा स्पोर्ट्स होने वाला है। ठीक है, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉडजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगी, उनके खाने की व्यवस्था करेंगी। ठीक है, उनके रहने की, के स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे। ठीक है, अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्राइजेस को अरेंज करना, सर्टिफिकेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हीं की होती हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मैच स्टार्ट होने से पहले अगर आपके पास प्राइज ही ना हो, कि हम प्राइज़ क्या डिसाइड करेंगे, और मैच स्टार्ट हो जाए मान लीजिए,
तो आप उस टाइम पे प्राइजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या प्राइजेस जो जैसे हम देखते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पहले से कमेटी जो प्रे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये प्राइजेस अरेंज करके रखती है, ठीक है। सेंट एंट्री फॉर्म्स, डिफरेंट कमेटीज़ के पास एंट्री फॉर्म्स जो प्रे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करेगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग का देख लेते हैं। जैसे ड्यूरिंग यानी जो गेम्स के ड्यूरिंग जो कमेटी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहेंगे, ठीक है। सो इसमें जो पहला आता है प्रॉपर अरेंजमेंट्स, यानी अरेंजमेंट्स सब सारी प्रॉपर हुई कि नहीं, चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रे, प्रे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। एंश्योर स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एज पर शेड्यूल, देखेंगे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं कि नहीं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेसेसरी एनवायरमेंट्स, नेसेसरी अनाउंसमेंट्स करेंगे, ठीक है, स्कोर शीट्स के लिए। इम्पार्ट फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड यानी वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फर्स्ट एड की देखेंगी, ठीक है। और आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हैं उन पर आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, ठीक है। अब मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी जैसे ड्यूरिंग मैच में जो होता है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसका डिसिप्लिन है वो मेंटेन किया जाए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो प्रॉपर डिसिप्लिन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो किस टूर्नामेंट की होती है, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट की होती है, ठीक है। पोस्ट टूर्नामेंट क्या करेगा, देखिए गिव अवे प्राइजेस, प्राइजेस देगा, ठीक है, डिटेल रिजल्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे प्राइजेस देगा, पेमेंट करेगा, ठीक है, जो उनके ऑफिशियल्स हैं एंड अदर कंकर्ड अथॉरिटीज, ठीक है, प्रेजेंट मेमोरेंडम्स टू चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर्स को प्राइजेस देंगे, ठीक है, उनका बढ़िया तरह से वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थ्री टाइप्स की कमेटीज़ की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली। अब देखिए जो कमेटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो इन सब ऑर्गेनाइज कमेटी फॉर गेम्स है, ठीक है। वही कमेटी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है गेम्स को, कौन सी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि किसके अंदर आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर आती है। सो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटीज हैं, जैसे पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉडजिंग कमेटी जिसका काम खाना और रहने का होता है, ठीक है, डेकोरेशन कमेटी कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में क्या क्या डेकोरेशन होंगी इनका वर्क ये रहता है, ठीक है, रिसेप्शन कमेटी क्या क्या रिसेप्शन में होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी कमेटी होंगी, ठीक है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये सारी कमेटीज़, कमेटीज़ ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, अनाउंसमेंट कमेटीज़, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, दे आर 12 टाइप्स ऑफ कमेटीज़ इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, ठीक है। आप ये ध्यान रखें, जैसे फर्स्ट एड कमेटी का क्या है, कोई भी मेडिकल हेल्थ पहुंचाना, ठीक है, फाइनेंस कमेटी का क्या है, बजट देखना क्या है कि नहीं, ठीक है, ये आपकी कमेटीज़ की बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज़, ठीक है। अब देख लेना टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जो है वो डिफरेंट टीम्स के बीच एक वो होती है, ठीक है, वो उसके लिए होता है टूर्नामेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, फर्स्ट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल टीम एक ही बार प्ले कर सकती है और वो हार जाती है तो वो गेम से आउट हो जाती है, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में 2 टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, सिंगल एंड डबल। तो लीग टूर्नामेंट का जो सिंगल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे सिंगल टीम, एक टीम सब टीमों से एक बार मैच ही खेलेगी, जैसे मान लीजिए 5-4 टीम्स हैं तो ये फर्स्ट एक बार तीनों से खेलेगी, सेकंड थर्ड, ठीक है, यानी सिंगल टीम एक दूसरे से मैच करना होगा, ठीक है। इसमें डबल में क्या होगा, एक टीम 2 बार मैच करेगी किसी पर्टिकुलर टीम से, ठीक है। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन और बर्गर टूर्नामेंट कहते हैं, ये अभी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट का टाइप है, तो वो लीग टूर्नामेंट को ही हम राउंड रॉबिन और बर्गर टूर्नामेंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड टूर्नामेंट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, दे आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फर्स्ट वन इज नॉक कम नॉक, यानी अभी बताऊँगा मैं ऐसे क्या है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, जैसे नॉक कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉक, 4 टूर्नामेंट है आपका चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट के अंदर
आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट आती है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है टूर्नामेंट की, तो इम्पोर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल को डेवलपमेंट करने में, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स में हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल रिलेशंस को इंटीग्रेशन में काम आता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, रिक्रिएशन यानी द्वारा क्रिएशन का ये सोर्स हमें प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट टूर्नामेंट का बात कर लेते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, टीम एक ही बार किसी एक टीम से प्ले करेगी और वो एक बार डिफीट होने के बाद मैच से नॉकआउट हो जाएगी यानी बाहर हो जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड हुआ, ए बी सी डी चार फोर टीम्स थी हमारे पास, ए एंड बी ने मैच किया, सी एंड डी के बीच में मैच हुआ, उनमें से बी विनर हो गया, तो ए नॉक हो गया, गेम से आउट हो गया, ठीक है, ऐसे सी एंड डी के बीच में से डी विनर हो गया, ठीक है। अब थर्ड राउंड जो होगा वो खाली बी और डी के बीच में होगा, जिसमें से डी विनर है और बी गेम से आउट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो सबसे पहले है लेस एक्सपेंसिव है, काफ़ी कम एक्सपेंडिचर आता है इसमें, ठीक है, एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को एनहांस करता है, ठीक है, क्योंकि ईच टीम ट्राइज टू गिव बेस्ट, अपना एक ही बार में सारी टीम्स अपना बेस्ट देने के लिए सोचती हैं, ठीक है, कंप्लीट इन लेस टाइम, ठीक है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कम से कम ऑफिशियल्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी कि एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही टीम्स का बाहर हो जाना, जिससे कि स्पेक्टेटर्स अपना, स्पेक्टेटर्स यानी जो वॉच कर रहे हैं गेम को, वो लूज इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीक टीम्स आपकी टूर्नामेंट के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं लीग टूर्नामेंट, सेकंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट विच इज़ नोन एज आल्सो बर्गर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स का था, एक तो सिंगल था एंड सेकेंड वन इज डबल, ठीक है, ये रहा डबल आपका, ठीक है। तो इसमें जो टीम है वो वन टाइम ऑल टीम के संग प्लेयर प्ले करेगी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है, जैसे एन टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं तो एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, अगर डबल कर रही हैं तो एन एन माइनस वन, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा इंटू टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एन एन माइनस वन आ जाएगा, तो टू चांसेस विद एवरी टीम मिलेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ओनली स्ट्रॉन्ग टीम विन करेंगी, ठीक है, एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। और क्या है, मोर पॉपुलर है, ऑफिशियल्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम्स, ऑफिशियल्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर मोर टाइम, ठीक है, कॉस्ट मोर होती है, टीम की मनी और टाइम वेस्ट दोनों होता है, ठीक है, रिक्वायर मोर अरेंजमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स, मोरल ऑफ मोस्ट ऑफ टीम बिकम्स लो ड्यू टू डिफीट अगेन एंड अगेन, देखिए जितनी ज़्यादा बार राउंड होंगे उतनी ज़्यादा बार टीम डिफीट करेंगी, जिससे कि किसी भी टीम्स का मोरल डाउन हो सकता है कि मैं बार बार डिफीट होता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो थर्ड हमने देखा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब है कि जब मोर देन बहुत सारी टीम्स हो जाती हैं, जब देखिए फोर हुई, फाइव हुई, सिक्स हुई, सेवन हुई, जब तो हम आपका ये नॉकआउट टूर्नामेंट करा सकते हैं, उनके बीच में आसान रहता है, लेकिन जब मोर नंबर ऑफ टीम्स हो जाती हैं, जैसे नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन, ठीक है, सिक्सटीन, ठीक है, ट्वेंटी, इस टाइप की जब नंबर पहुंच जाता है तो हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराते हैं, जिसे कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक जोनल होता है, एक इंटर जोनल होता है। जोनल का मतलब, जैसे एक जोन बना दिया हमने, उसमें चार टीम्स प्ले करेंगी, ठीक है, आसपास की टीम्स एक जोन में प्ले करेंगी, ठीक है। ऐसे ही जोन बी बना दिया, उसमें चार टीम्स प्ले करेंगी, उसमें जो जीतेगा वो देखेंगे हम। जोन डी बना दिया, जो उसमें विनर होगा उसमें देखेंगे। जोन सी बना दिया, जो उसमें विनर होगा उसे हम देखेंगे। जो इनके विनर होंगे फिर उसका इंटर जोनल राउंड होगा, फिर उन्हें एक साथ बुलाया जाएगा और उनमें से जो विनर होगा वो फाइनली बता दिया जाएगा, ठीक है। सो ये दो पार्ट में हो रही है, जैसे जोनल एंड इंटर जोनल। इसीलिए हमारा ये चॉइस है कि हम पहला राउंड नॉकआउट में कराते हैं या सेकंड
लीग में कराते हैं, या पहला लीग में कराते हैं या सेकंड लीग टूर्नामेंट में कराते हैं, ठीक है, या फिर पहला नॉक में करा देते हैं, दूसरा भी नॉक में रहने देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जैसे लीग कम लीग है तो पहला भी लीग में होना चाहिए और दूसरा भी आपका लीग टूर्नामेंट में होना चाहिए। जैसे लीग टूर्नामेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1-2 के संग, 1-3 के संग, 2-3 के संग, ठीक है, 1-4 के संग, 2-4 के संग, 3-4 के संग, इसमें से विनर आएगा, इसमें से विनर आएगा, ठीक है, जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट ए वीडियो का, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में हम फिक्चर्स ड्राइंग देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ फिक्चर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। पहले तो 5 नंबर्स का आता था लेकिन अब एमसीक्यू में, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन फिक्चर्स ड्राइंग के मिलेंगे ही। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।